आज हम फ्रेंडशिप डे के लिए एक दूसरे को चॉकलेट बांटना है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ऐसे एक्सपेरिमेंट करने में मजा आएगा, कुछ अलग करने को मिलेगा, कुछ ऐसे ऐसे आंखें तू करके दिखा, तू तो बहुत अच्छा करती ऐसे करना यार। आई लव कॉमेडी और मुझे लगता है मैं कर पाऊंगी, तो मुझे फ्रेंडशिप में मतलब जो चीजें होती है कभी कभी मन मुटाव होता ना, उसको इग्नोर करना चाहिए यार। डार्क चॉकलेट आप ले लो। चॉकलेट्स मिले हमें हमारे डायरेक्टर सर से। ये हाय, मैं हूँ श्रुति बिष्ट और आज है फ्रेंडशिप डे। मैं हूँ मेघा चक्रवर्ती और आप सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। यस, मेरी तरफ से भी। तो आज हम फ्रेंडशिप डे के लिए एक दूसरे को चॉकलेट बांटना है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। जितना हमने ऑन स्क्रीन देखा है, आप दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी है। जी, ऑफ स्क्रीन में दिखते हैं कि कौन किसको कितना जानता है। ओह, कौन किसको कितना जानता है। जान ही गए होपफुली। लेट्स सी। नहीं मतलब जब पैकअप होता है तभी यार, वो तो ठीक है, वो तो नॉर्मल है। इट्स नॉट टैंटम यार। सब हाँ, अब घर जाना होता है। हां, हु इज मोर लाइकली टू अराइव लेट ऑन से? मैं हां मैं बहुत नहीं, एक्चुअली मैं बहुत टाइम के पहले आ जाती हूँ, वो प्रॉब्लम है। मतलब मैं टाइम के बहुत जल्दी आ जाती हूँ, मतलब मैं टाइम पे आती है। 9 का कॉल टाइम होता है तो मैं 9:15 तक आती हूं। हां, आ जाती है। इतना ऐसा नहीं कि मैं 45 मिनट्स 1 घंटे बाद आ रही हूं। 10-15 मिनट। इट्स नॉट लाइक दैट। हां, उतना ही। अगर ऐसे कंपेयर करोगे तो मैं लेट आती हूं। हां, हु इज मोर लाइकली टू प्ले अ विलेन इन अ मूवी? इसको इंटरेस्ट है। हां वैसे हां, मतलब मैं करना चाहूंगी मूवी में, तो डेफिनेटली मैं करना चाहूंगी। क्योंकि मुझे मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट करने में मजा आएगा। कुछ अलग करने को मिलेगा, कुछ ऐसे ऐसे आंखें तू करके दिखा, तू तो बहुत अच्छा करती ऐसे कर। रोमांटिक कॉमेडी मेरे को करना है। हाँ, मैं तो अपने मेरे को करना है यार। आई लव कॉमेडी और मुझे लगता है मैं कर पाऊंगी, तो मुझे ये करना है। मैं मानती हूँ ये चीज, मैं मानती हूँ। ऐसे ही बस मान लिया, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, नहीं, हाँ। जो है वो बहुत बहुत नॉर्मल है। हमारे सेट के अगर पूछो किसका है, मैं पूरे सेट का बताऊँ किसका है। चला नहीं नहीं छोड़ो, मैं रहने दो। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं रहने दो। पैर पे कुल्हाड़ी उठा ली। नहीं नहीं कोई बात नहीं। मैं बोल रही ना, मैं ले रही हूँ मेरा नाम। हाँ ये सेफ। ओके, इट्स मोर लाइकली टू टेक द लास्ट स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा। अरे जैसे चॉकलेट में होता है या खाने में होता मतलब है, खाने का कुछ भी हो। हाँ, मैं खा लूंगी। मतलब हम लोग जब खाना खाने बैठते हैं तो सब शेयर करके खाते हैं, सब लोग ये भी टिफिन लाते जो भी लाते, तो उसमें ऐसा कि कोई अगर बोलता है अरे ये वाला भी है, मेरा वाला टिफिन खत्म नहीं हो, खत्म नहीं हो रहा, मैं हूँ लाइक दैट, कि मेरे को तो मैं खा लूंगी, तो वैसा है। दोनों दोनों ही है, अभी तक तो मैं भूभू कर रही हूं। मैंने बहुत पहले किया है, बट यहाँ पे मैंने अभी तक नहीं किया है। नहीं कर रही अभी तक, अभी तक ये ऐसे भूभू में ही है, बट कुछ बड़ा प्रैंक करना पड़ेगा। विल प्लान टुगेदर, हम दोनों मिलके करेंगे। अब राघव जी के साथ? हाँ, उसके साथ करेंगे, उसी के साथ करेंगे। नहीं, इसके ये आने से पहले मत कर देंगे। ऑल द स्नैक्स नॉट मी, मैं खा तो सकती हूँ, मैं हेल्दी खाती है दीदी, मैं ट्राई करती हूँ। और मैं तो मेरा वो नहीं होता है कि मतलब खाने का उतना, जिस जितना एक्साइटेड वो हो जाती है उतना नहीं होता है मेरा। मैं तो सेट पे जो लड्डू वड्डू मैं तो भी खा सकती हूं। ऐसे गुलाब जामुन है क्या? हाँ, समोसा है क्या? हाँ, इसका ऐसा होता है, मेरा ऐसा नहीं है। ओके, हु इज मोर लाइकली टू मेक फनी फेसेस इन सेल्फी? कोई एक ऐसे करती है, मैं इसको नॉर्मली देखूंगी तो मेरे तो सडनली ऐसे करके देखेगी, फिर ऐसे करी। मतलब ऐसा गुड मॉर्निंग है इसका। मेघा, और आप दोनों से जाना चाहेंगे, अगर इस इंडस्ट्री की बात करूँ तो कौन आपका बेस्ट फ्रेंड है, जो आपको यू नो ऐसी सिचुएशन में सपोर्ट किया है जहाँ पे आपको ज्यादा जरूरत है? मेरे टाइम तो पता नहीं, मतलब इंडस्ट्री में बोल रहा हूँ, मेरा को एक्टर साहिल ऑलवेज। हाँ हाँ, ऑलवेज ऑलवेज, हमेशा। हाँ, मेरे लास्ट शो में थी एक प्रतिभा दीदी करके, प्रतिभा पॉल दीदी, वो भी बंगाली थी, मैं उनको इनके बहुत रिलेट करती, वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने मतलब जैसे थी ना यहाँ पे मिलने। हाँ, जैसे दीदी मेरे को यहाँ संभालती है,
वैसे वो मुझे पहले सेट पे संभालती थी, तो वो थी मेरे लिए बड़ी, जैसे दीदी बड़ी वैसे वो मेरे लिए बड़ी थी, तो मुझे अच्छा लगता था उनके साथ। एक्सपेक्टेशंस मत रखो और क्या। मैं तो बोलूँगी फ्रेंडशिप में मतलब जो चीज़ें होती है कभी कभी मन मुटाव होता ना उसको इग्नोर करना चाहिए। हाँ। यार हो जाते हैं हम लोग कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, मतलब होता है कि चल बात नहीं करनी तेरे से, ऐसा होता है, मत ये मत करो, मतलब वो थोड़े चीज़ों को लेट गो करो और फ्रेंडशिप को, क्योंकि फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा प्योर और बहुत प्यारा बॉन्ड है। आई थिंक सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे, सब एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधो। हम लोग स्कूल में बहुत बांधते थे, मुझे सडनली हाँ मुझे हम लोग बना के भी बांधते थे वो बीट्स के साथ हाँ, हाँ। बनाते थे और इतने सारे लेके जाते थे सबको बांधने के लिए और सब हाथ भर भर के लाते थे। ये देखो, थैंक यू सर, डार्क चॉकलेट आप ले लो। चॉकलेट्स मिले हमें हमारे डायरेक्टर सर से, ये जो हम नहीं देंगे राघव जी को थोड़ा सा भी, शायद राघव का भी हिस्सा है जो हम नहीं बताएंगे, पर हम नहीं देंगे उनको ऐसे, हमें चॉकलेट पसंद है। किसी से बात नहीं, मैं तो उनकी आवाज भी नहीं सुनती हूँ, वो फोन काट देते मेरे मुँह पे, बट हाँ मतलब ऐसा लगता है मिश्री को की अरे वो जो डिवाइन कनेक्शन हो सकता है ये डिवाइन थिंग। थैंक यू सो मच, वेलकम।